से कहाँ आने हैं ये फूल मेरे लिलार के भाई। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एस जे फैमिली ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत तो वैसे हो गई है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत अब जाके हो रही है। और अभी मैं तैयार हो गया हूँ और बिल्कुल रेडी हो गया हूँ वेडिंग शूट करने के लिए या जाने के लिए। और आज मैं वेडिंग शूट करने के लिए जाऊँगा उखीमठ में, तो बने रहिए मेरे साथ। वेडिंग शूट के कुछ अनोखे पल मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के जरिए, बाकी हम लोगों ने शूट तो करना ही है। और बाकी अभी इधर उधर का वेदर ना बहुत ही प्यारा हो रखा है और आज बड़े दिनों बाद मौसम खुश मिजाज हो रखा है और काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। फिलहाल खाना पीना वैसे हो गया है और मेरी भी निकलने की तैयारी लगभग हो ही गई है, तो चलते हैं। बाय रानी, बाय बाय बाय। तो फिलहाल हमारी तैयारी लगभग हो ही गई है और अपने बैग वगैरह जितने भी हैं, स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो गया। और आज आकाश फर्स्ट टाइम मेरे साथ वेडिंग शूट करेगा, बाकी अर्जुन तो आता ही रहता है। और बाकी आज हम लोग जाएंगे अपनी धनों पे और बाकी आकाश भाई की जो अपनी बाइक है उस पर जाएंगे। अपनी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई है और मैं जा रहा हूँ आज उखीमठ वेडिंग शूट करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी हम लोग तैयार तो हो ही गए हैं, तो चलते हैं वेडिंग शूट करते हैं और आपको वेडिंग शूट के मज़े दिलाते हैं। तो जगह जगह पे ना जितने भी जो यात्री वगैरह हैं वो जगह जगह पे बैठे हुए हैं और अपना जो लंच है ना लंच कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग भी निकल चुके हैं मस्तूरा से उखीमठ के लिए। बाकी अभी का वेदर ना, जो अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, धूप निकल चुकी है और बाकी अभी ना मौसम पूरा पैक होने ही वाला है। बाकी जो एक दो दिन हमारे पास वेडिंग शूट के, बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर बारिश होगी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं, वेडिंग शूट करने के लिए होता ही नहीं है। और बाकी अभी चलते हैं जल्दी से जल्दी। फिलहाल मैं भी पहुंच गया हूं स्कूल धार पे और मुझे यहां से लगभग पैदल जाने में लगभग एक घंटा तो लगेगा ही, और यहां से ना काफ़ी दूर है और लगभग जो लास्ट है सबसे नीचे वहां जाना है। और सामने गुप्तकाशी है, रुद्रपुर है, देवर है, काफ़ी मस्त मौसम बना हुआ था और अभी जस्ट ना बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग यहाँ पर आए थे लगभग 3:30 बजे के करीब, यहाँ पर पहुँचा था उस टाइम ना ठीक था। और अर्जुन लोग मतलब फिर मार्केट गए और फिर देखिए बारिश शुरू हो गई। फिलहाल अर्जुन और मैं निकल चुके हैं और बाकी आकाश ना थोड़ी देर में आएगा। तो अभी यहाँ पे रास्ता एक इतना फिसलन भरा है और बरसात के टाइम में पहाड़ों में लगभग ये चीज़ें कॉमन है कि होता ही है। अब किसी को भी क्या बोल सकते हैं कि इनका रास्ता बेकार है, सारी जगह ऐसे ही चलता है। लगभग हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर चुके हैं और अभी आधा और जाना है हम लोगों को। तो हम लोग डाउन ना मतलब इतना भागते हुए जा रहे हैं, पर ऊपर आते समय ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी। और जो मतलब ये वाले जो डाली है, ये है आपकी जो दाल वगैरह होती है ना पहाड़ों में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ना, ये पूरा एरिया ना मतलब इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, जहाँ भी दिखेगा आपको यही दिखेंगे। तो इनको गढ़वाली भाषा में हम लोग गौत बोलते हैं। धीरे धीरे पहुँचने ही वाला हूँ मैं, बाकी ये एक मोहल्ला यहाँ पे है और उसके बाद एक मोहल्ला नीचे है, तो वहाँ जाना है, मैं सबसे नीचे जाना है, ये वाले मोहल्ले पर नहीं जाना है। बाकी सामने है आपके मधुगंगा। देखो भाई, जिस भजन कीर्तन के लिए हम इतना दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, ये लोग अब तैयार हो रहे हैं। चलो अच्छा हुआ हम लोग भी इसी टाइम पर पहुँच रहे हैं।
पता रही है मेरे रहा हम गाली समय आयो। ये देखो भाई हमें बोल रहे तुम कहाँ जा रहे हो हम लोग आइए आइए स्वागत है आपका ये फूल मेरे लिलार के भाई भाई के लिए अच्छा थैंक यू। चलो भाई फिलहाल चाय भी आ चुकी है और दीदी थैंक यू चाय पिलाने के लिए। और वैसे ही मौसम ना बहुत मतलब हल्का फुल्का ठंडा तो हो ही गया है पहाड़ों में तो चाय पीते हैं फिर हम भी निकलते हैं भाई। चल रहा है भजन कीर्तन का प्रोग्राम और वहाँ पे ना ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे इतना शोर हो रहा और जो उनका माइक वगैरह है उसका भी ना बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है तो इस वजह से वहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्लिप ही दिखा सकता हूँ। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ दीदी और के यहाँ वहाँ पे जीजा जी आ रखे हैं वहाँ पे चलता हूँ। हमारे आकाश भाई लगे हैं फोटो शूट करने पे। बाकी आकाश भाई कैसी फोटो खींच रहे हैं वो तो बाद ही में पता चलेगा। बाकी अभी फोटो दिखा रहे हैं भाई को नाम भाई क्या बोला बिल्कुल चले मामा जी चले गया दौड़ ली चलो मेरी तरफ से थैंक यू बाकी अभी है टी ब्रेक और जो भजन कीर्तन था ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अभी चाय वगैरह पीते हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी है टी ब्रेक और जो भजन कीर्तन था वो ऑलमोस्ट निपट चुका है। बाकी ये दोनों लगे थे वीडियो शूट करने पे और स्टिल शूट करने पे। कैसा रहा? बढ़िया। हम लोग बैठे हैं रूम पे और इसके बाद होगा हमारा खाना पीना होगा। बाकी भजन कीर्तन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है और खाना खाने के बाद ना मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं बाकी प्रोग्राम तो चलते रहेंगे। मेहंदी होगा डांस होगा काफ़ी कुछ है आप वीडियो में बने रहिए। बाकी मिलते हैं आपको खाने पर। फिलहाल अभी हम लोग खाना पीना खा के ना रूम पे आ गए हैं और जैसे ही हम लोग हाथ धो के बाहर से मतलब रूम में एंटर हुए तभी तक भाई मिल गया। और भाई से मेरी ना कल वैसे बात भी हुई थी कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो भाई ने भी कहा था कि मैं भी हो सकता हूँ आ सकता हूँ पर ये नहीं कहा था कि मैं आऊँगा ही आऊँगा और भाई अचानक से यहाँ पर मिल गया। तो कैसे हूँ अभी? बढ़िया है सर जी आप बताएँ और आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है?
वो ठीक ही होगी, बाकी तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। जो अभी वैसे मेरा ये नया चैनल है वो आप लोगों को पता है और भाई को भी पता है, बाकी भाई के अभी वीडियोस काफ़ी टाइम से आए नहीं है। उसी टॉपिक में हमारे लगभग ना दो दो तीन तीन चार दिन में ऐसे बातें होती रहती हैं, क्यों नहीं आ रहे वो भाई आपको बताएगा क्यों नहीं आ रहे हैं। सुजान भाई, जैसे कि आपको पता ही है हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और YouTube से आपको पता है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अर्निंग के लिए, तो अर्निंग का एक सोर्स होना ज़रूरी है तभी हम अपना वीडियो जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी उसी दौर में हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे लगता है 15 से 20 दिन के बाद जो हमारी वीडियो जो है वो कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगी और आप देख लेंगे हमारे जो चैनल है डायनेमिक पहाड़ी पे। बाकी तो भाई फिलहाल हम लोग भी आ गए हैं दीदी औरों के यहाँ पे। बाकी मेहंदी का जो प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं रूम पे बातें करते हैं आपसे। तो फिलहाल आप लोगों को देखने को मिला पहाड़ी वेडिंग, और वेडिंग का जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें था आपका भजन कीर्तन हो गया, मेहंदी हो गया और डांस का प्रोग्राम। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट डे, गुड नाइट, बाय बाय।